Hey y'all, come look at this. तो दोस्तों, आज का स्टेटस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फटाफट एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ओपन कर लेने का यहाँ नीचे प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आपको दिखता है, उस प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने को यहाँ देखिए आपको मेरा सेकपैक प्रोजेक्ट और बीटमार्क प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। तो ये दो प्रोजेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप दोनों को अपने एलाइट मोशन ऐप में एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख करके इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का दिया जो सेकपैक वाला प्रोजेक्ट है, इसको क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, इस फोटो पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से हो जाना आपको बैक, एरो पर क्लिक करके बैक हो जाने के बाद ये जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन करना है। देखिए ओपन कर लेने का क्या करना है, फर्स्ट इधर आ जाना है आपको। देखिए कहाँ आना है, यहाँ पर देखिए 14:20 में आना है, 14:28 आकर यहाँ पे आने के बाद ग्रीन कलर का प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करके आपका जिस फोल्डर में इमेज रहेगा उस फोल्डर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेने को उस इमेज को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको स्टेटस वीडियो बनाना है। इमेज को सिलेक्ट कर लेने को ऊपर कोने में देखिए थ्री डॉट बिंदु दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और फुल कंपोजिशन एरिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद वीडियो को लास्ट में आना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को लास्ट तक करना है। फोटो को लास्ट तक करने के बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पैक पर क्लिक कर देना है। पेस्ट पैक पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक बार क्लिक करना है। अब ये जो आपने फोटो ऐड किया, इस फोटो के साइड में देखिए थ्री लकीर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और फोटो को पूरा नीचे कर देना है। नीचे तक कर देने के बाद फिर करना क्या है, स्टार्टिंग में आना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रुप टू लिखा हुआ लेयर दिख रहा होगा, इस लेयर पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जीरो है तो इसको 100% कर देना है। और यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पर इसको 100% कर देना है। और यहाँ पर नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लिरिक्स कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इधर नीचे आना है। देखिए यहाँ पे एक लेयर है जो आई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऑफ किया हुआ है, तो इधर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके एक बार टच करिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लेयर दिखने लगेगा। अब इतना करने के बाद इधर देखिए, इधर आपको आ जाना है। यहाँ देखिए ये अनओपेडिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग ऑपोसिटी पर क्लिक करना है, यहाँ पे भी जीरो है इसको 100% कर दीजिएगा। फिर इतना करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस जो है रेडी हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का स्टेटस यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कोने में एक एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो लिखा हुआ साइड में एक एरो, उस पर क्लिक करके एक्सपोर्टेशन में जितना आपका फ़ोन का क्वालिटी सपोर्ट करता है उतना सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर लो रहेगा तो इसको फुल कर दीजिएगा और क्वालिटी लाइन को हाई करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।